ईमान ले आए और अमल सालेह बजा लाते हैं, नेक आमाल अंजाम देते हैं, नेक काम करते हैं, सयजअलहुमुर्रहमानु वुद्दा, तो अनकरीब रहमान खुदा उनके दिलों में मवद्दत को दाखिल कर देगा। जाहिर सी बात है ये आयत मुबारका के ज़ेल में इंशाअल्लाह अशर मजालिस का जो मौजू होगा वो तकाज़ाए मवद्दत होगा कि मवद्दत हमसे क्या चाहती है और मवद्दत का कि मार्फत क्यों जरूरी है, असल मवद्दत कहते किसे हैं, क्या मवद्दत उसी मोहब्बत का नाम है जिसे हम मोहब्बत के नाम से जानते हैं, या मोहब्बत कोई और शय है कि जो मवद्दत से बिल्कुल जुदा है, या दोनों चीजें बराबर हैं। इंशाअल्लाह इसी सिलसिले में हमारी 10 दिन की जो मजलिसें होंगी उसमें चंद मफ़ूज़ात हैं, चंद चीजों को कुरान मजीद की आयत के ज़ेल में और उसकी तफसीर के ज़ेल में, रवायतों के ज़ेल में, अहादीस के आईने में इंशाअल्लाह गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। आज बात को सिर्फ यहां से शुरू करते हैं कि इमाम बुखारी ने अपनी मारिफतुल आरा किताब सही बुखारी में जब इस आये मुबारका की तफसीर को पेश किया, तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ों, जब इस आये मुबारका की तफसीर को पेश किया तो इस आये मुबारका को नकल करने के बाद आप फरमाते हैं हदीस नंबर 6024 सही बुखारी, आप फरमाते हैं कि ये आये मुबारका पैगंबर इस्लाम पर नाजिल हुई, तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ों, पैगंबर इस्लाम पर नाजिल हुई और इस रवायत को नकल करने वाले अबू हुरैरा जिन्होंने पैगंबर इस्लाम से इस हदीस को, इस रवायत को नकल किया, वो फरमाते हैं कि इस आये मुबारका में परवरदिगार आलम ने जिस मवद्दत का तकाजा किया है, जिस मोहब्बत को वादा है, वो मवद्दत और वो मोहब्बत कोई आसान शय नहीं है, तवज्जो चाहता हूं, कोई आसान शय नहीं है, कोई सहल मरहला नहीं है, क्योंकि ये वो मोहब्बत है, ये वो मवद्दत है कि जिसका तकाजा परवरदिगार आलम ने औलिया की मोहब्बत के सूरत में किया है, औसिया की मोहब्बत की सूरत में किया है, अहले बैत की मोहब्बत की सूरत में किया है कि अगर इंसान बाईमान है, अमल साले है, तो खुदावंद आलम अपने औलिया की मोहब्बत को उसके दिलों में डाल देता है और अपने औसिया की मोहब्बत को उनके दिलों में डाल देता है, यानी कि अहले बैत के अतहार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को उनके दिलों में डाल देता है कि जो मोमिन हुआ करते हैं, अमल साले बजा लाते हैं, तो पता चला इस हदीस के आईने में कि मवद्दत सिर्फ उन्हें नसीब होती है कि जो मोमिन भी हुआ करते हैं, नेक आमाल भी बजा लाते हैं। हदीस नंबर 6024 आप फरमाते कि अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, क्या कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जब ये आये मुबारका नाजिल हुई तो उसके बाद खुदावंद आलम ने फरिश्तों के दरमियान निदा दी कि हाय कोई कि इस मोहब्बत को लोगों के दरमियान, मोमिनीन के दरमियान पहुंचा सके। जब इस निदा को जनाबे जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना तो जनाबे जिब्राइल ने फिर इसका ऐलान फरिश्तों के दरमियान किया, तवज्जो चाहता हूं, फरिश्तों के दरमियान किया और इस मोहब्बत को, इस मवद्दत को तमाम अहले आसमान के दिलों में मुंतकिल कर दिया और सारे आसमान वालों के दिलों में मुंतकिल करने के बाद जब तमाम आसमान वालों के कुलूब में इस मवद्दत को तकसीम कर दिया, बांट दिया, दे दिया और दाखिल कर दिया,
तो फिर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने जमीन की तरफ निगाह दौड़ाई और अहले जमीन पर जिन मोमिनीन पर नजर पड़ती गई, जो उनकी नजर में मोमिन नजर आता रहा, जो नजर मोमिन नजर आता रहा, उन मोमिनीन के दिलों में अहले बैत अतहार औलियाए किराम औसियाए किराम की मवद्दत को दाखिल करते रहे और फिर उसके बाद आवाज की परवरदिगारा मैंने इस पाकीज़ा मवद्दत को सिर्फ उन दिलों में डाला है कि जो मोमिन पाए जाते थे या मेरे सारे अंजाम देते थे। सलवात अले मोहम्मद वाल। मैंने इस हदीस मुबारका को इंतखाब किया कि जिसमें पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया और जनाब अबू हुरैरा ने इस हदीस को नकल फरमाया कि यह मवद्दत कोई आसान शय नहीं है। इस मवद्दत को पाने के लिए सबसे पहले इंसान को अपने इस दिल को इस कल्ब को पाकीजा बनाना होता है। जब तक ये दिल पाकीजा ना हो जाए ना औलिया की मोहब्बत आ सकती है। तवज्जो जाता हूं, ना औलिया की मोहब्बत आ सकती है, ना औसिया की मोहब्बत आ सकती है, ना ही अहले बैत की मोहब्बत आ सकती है। तो मुझे कहने दीजिए कि हर एक को ना अहले बैत से मोहब्बत करने की जरूरत है, ना हर एक को औलियाए किराम से मोहब्बत करने की जरूरत है, ना हर एक को औसियाए किराम से मोहब्बत करने की जरूरत है। जुमलों को बदल के कह दूं कि ना हर एक औलियाए किराम से मोहब्बत कर सकता है, ना हर एक औसियाए किराम से मोहब्बत कर सकता है, ना हर एक अहले बैत अतहार से मोहब्बत कर सकता है। मोहब्बत तो वो शय है कि बस वहां पाई जाएगी जहां पाकीजगी होगी, और पाकीजगी वहां होगी जहां आया इन्नमा युरीदुल्लाह का वुजूद होगा। सलवात अले मोहम्मद वाल। मोहब्बत और ये मवद्दत उस दिल में दाखिल नहीं हो सकती है। अब ये मत कहिए कि कौन औलियाए किराम से मोहब्बत करता है कौन नहीं करता, औसियाए किराम से मोहब्बत कौन करता है कौन नहीं करता, अहले बैत अतहार से कौन मोहब्बत करता है कौन मोहब्बत नहीं करता। बस ये समझ लीजिए कि जो अहले बैत औलियाए किराम औसियाए किराम से मोहब्बत करते हैं सही मानों में कुरान की आयत की रोशनी में, बस वही मोमिन है। अब जिनके दिलों में इनकी मोहब्बत नहीं है, ना उन्हें हम मोमिन कह सकते हैं, ना ही नेक अमल अंजाम देने वाला कह सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाल। जब उनको मोमिन नहीं कहा जा सकता, ना उनको नेक आमाल बजा लाने वाला कहा जा सकता है, मुत्तकियों पर हेजगार कहा जा सकता है, तो जाहिर सी बात है हर दिल में अहले बैत की मोहब्बत और उनकी मोहब्बत समा भी नहीं सकती है। बस उस दिल में ये मोहब्बत और मोहब्बत आएगी कि जो खुदावंद आलम ने जिसके दिल में इरादा किया होगा, जिसको पाको पाकीजा बनाया होगा, क्योंकि इस हदीस के आईने में खुदा ने इरादा किया है कि ये मोहब्बत ये पाकीजा शय है, ये पाकीजा मोहब्बत, ये पाकीजा मोहब्बत सिर्फ पाकीजा कुलूब का ही हिस्सा बन सकती है। अब जो शख्स भी चाहता है कि इस पाकीजा मोहब्बत और मोहब्बत को अपने दिल में दाखिल करे, तो आप अपने दिल को पाकीजा बनाना होगा, हसद से पाक करना होगा, गीबत से पाक करना होगा, झूठ से पाक करना होगा, बुराइयों से पाक करना होगा, तोहमत से पाक करना होगा, गीबत से पाक करना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें ये नजर भी है, रिश्त भी है, गलती भी है, ये गंदगी भी पाई जाती है। लेकिन जहां ये गंदगियां होंगी, जहां ये रजासतें होंगी, जहां ये नजासतें होंगी, ये पाकीजा मोहब्बत है वहां पर नहीं जा सकती है। अब ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे अजीजों, अगर हम ये चाहते हैं हमारे दिलों में ये मोहब्बत आ जाए, तो अब हम आप अपने दिलों को, अपने कुलूब को, अपने दिलों को पाकीजा बनाना होगा। जो दिल हसद से पाकीजा होगा, जो दिल झूठ से पाक होगा, जिसमें गीबत नहीं पाई जाएगी, जिसमें हसद नहीं पाया जाएगा, ये मोहब्बत उस दिल में दाखिल होगी जहां झूठ नहीं होगा। ये मोहब्बत वहां होगी
होगी, जहाँ कीमत नहीं होगी, ये मोहब्बत वहाँ होगी जहाँ चुगली नहीं होगी, ये मोहब्बत वहाँ होगी जहाँ पे हसद नहीं होगा, क्योंकि अहले बैत ना झूठ के करीब जा सकते हैं ना हसद के करीब जा सकते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाल। जहां पर गंदगी नहीं होगी, जहां पे नजासतें नहीं होंगी, जहां पर नजासतें नहीं होंगी, जो पाकीज़ा होगा वहां पर ये मोहब्बत पाई जाएगी। बस पहली मजलिस है, तमीजी गुफ्तगू है, लिहाजा बात को आगे बढ़ाते हुए और अपने मसाइल देते हुए बस इतना बयान करूं कि यो पाकीज़ा मोहब्बत है। इब्ने अब्बास अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो पाकीज़ा मोहब्बत का तकाजा खुदावंद आलम ने किया है, इस मवद्दत का जो तकाजा किया है कि जिसके बारे में खुदा ने फरमाया कि वो उन दिलों में ये मोहब्बत पाई जाएगी कि जो मोमिन होंगे, अमल सालेह अंजाम देते होंगे, यकीनी तौर पर ये अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की मवद्दत व मोहब्बत का तकाजा है। ये वो मोहब्बत व मवद्दत है कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जिसको खुदावंद आलम ने सिर्फ और सिर्फ मोमिनीन के कुलूब में दाखिल किया है, उसके अलावा और किसी के दिल में ये मवद्दत और मोहब्बत नहीं पाई जाती। आगे फरमाते हैं कि आज हमारे कुलूब में, हमारे दिलों में ये जो औलिया इकराम की मोहब्बत पाई जाती है, अहले बैत अतहार से उल्फत पाई जाती है, रसूल के घराने से मोहब्बत पाई जाती है, ये उसी आये मुबारका की तफसीर है कि जो बयान, ये उसका तकाजा है कि जो बयान किया जा रहा है। यकीनन ये मोहब्बत है कि जो हमें यहां तक खींच कर लेकर आती है, ये मोहब्बत है कि जो हमें हुसैन हुसैन कहने के लिए उकसाती है और हमें करीब करती है। और शायद यही वजह है कि पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया था, इन्ना लक़द हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबरद अबदा। देखो ये शहादत हुसैन वो शय है मुमिनीन के क़ुलूब में, वो हरारत है, वो गर्मी है कि ला तबरद अबदा, कि कभी भी ये हरारत ठंडी नहीं पड़ सकती, खत्म नहीं हो सकती। पूरा शोर जमाना हो, हालात खराब हो, जैसे भी जमाने, कैसे भी जमाने का सामना करना पड़ जाए, लेकिन ला तबरद हुसैन की मोहब्बत कभी ठंडी नहीं पड़ सकती। इससे पता चला कि हुसैन की मोहब्बत और शहादत का ताल्लुक दिल से है। तब तो चाहता हूं दिल से है, जरूरी नहीं है कि हम सड़कों पर निकल आए तभी हम मोहब्बत को पेश करेंगे, हम जुलूस निकाल लें उसी वक्त हम मोहब्बत को पेश करेंगे, हम ताजिए उठा लें तभी हम मोहब्बत को पेश करेंगे, हम बड़े बड़े जुलूस की शक्ल में रोड पर आ जाए तभी मोहब्बत का तकाजा पूरा हुआ। नहीं, इमाम हुसैन की मोहब्बत सिर्फ महदूद नहीं है कि हम रोड तक आए, मोहताज नहीं है कि हम जुलूस की शक्ल अख्तियार करें, हुसैन की मोहब्बत मोहताज नहीं है कि हम सिर्फ ताजिए तक महदूद रह जाए, हुसैन की मोहब्बत मोहताज नहीं है कि हम बड़े बड़े प्रोग्राम करें, नहीं, हुसैन की मोहब्बत का तकाजा यह है कि आपके और हमारे दिल में कितनी मोहब्बत पाई जाती है। हुसैन की मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम अपने दिल में देखें कि हमारे दिल में कितनी उल्फत पाई जाती है, क्योंकि इसका ताल्लुक दिल से है। ला
अपने हुसैन की जो हरारत है वो मोमिनीन के कुलूब में पाई जाती है, दिलों में पाई जाती है। दिल में पाई जाने वाली मोहब्बत वो नहीं ठंडी हो सकती है। आप रोड पर आग लगा दीजिए, उसको पानी डाल के ठंडा किया जा सकता है, तब तो जाएगा। रोड पर अगर आप किसी तरह का प्रभाव कर उसको रोका जा सकता है, लेकिन जो दिलों से ताल्लुक है, दिलों से जो ताल्लुक है, क्या उसको खत्म किया जा सकता है? नहीं। दिल में जो मोहब्बत है, जो उल्फत है, जो मोहब्बत है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। मोमिनीन तड़पते थे, मोमिनीन की रूहें तड़पती थी। वो तन्हाई में भी होता है तो जिक्र हुसैन करता है, वो जाकिर होता है, उसके आजाओ जवारे उसके सामने हुआ करते हैं। असल आजादारी ये है, असल आजादारी का ताल्लुक दिल से है कि आप घर में तन्हा हो, बिस्तर पर बैठे हो या आराम कर रहे हो। इमाम फरमाते हैं, मासूमी फरमाते हैं कि आप तन्हाई में मेरे जब का तज़किरा करें, याद हुसैन ही असली इबादत, क्योंकि इसका ताल्लुक दिल से है। जितना दिल गमगीन होगा, महमूम होगा, हुसैन की मोहब्बत में उतना ही इजाफा होता चला जाएगा। तो सारी चीजें हैं कि हम जुलूस निकाल लें, अलम बना लें, ये दिल की तस्कीन के लिए है, खुद को समझाने के लिए है। हमने आजादारी की ये सारी चीजें उसकी शक्लें अलग अलग है, लेकिन असल इबादत आजादारी क्या है? जिसका ताल्लुक दिल से। जब दिल में कसर पैदा होती है, दिल मखमूम होता है, तो खुद ब खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन हुसैन जिसे मजलूम कत्ल किया गया, कौन हुसैन जिसे प्यासा शहीद किया गया, कौन हुसैन जिसे तीन दिन का भूखा प्यासा शहीद हो। इसीलिए तो जवाब में क्या कैसे पढ़ो, क्या आज की शब भी ये कहने की जरूरत है कि मुहर्रम का चांद दादाओ मुहर्रम का चांद नजर हो। अच्छा मैं बताता हूं, आजादारो आपको ताजियत पेश करता हूं, मुहर्रम का चांद नजर आ गया। कौन सा चांद? जिसका इंतजार सहरा को था, अली को था, पैगंबर को था, फातिमा को था। हाँ, सबसे ज्यादा इंतजार किसे था मालूम है? वो ज़ैना, वो सकीना कि जो तैयार उम्मत में यानी शाम के खराबे में। हाँ सरदारो, मैंने इस रवायत को कहीं पढ़ा तो नहीं है, लेकिन बारहा अपने बुजुर्गों से सुना जरूर है। वो फरमाते हैं कि जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, यही हक की अदा है, यही हक की क्रिया है, जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो एक बीवी I'm sorry.
तो ये दोनों बीबिया शाम के खराब खराब में जाती है उस जिंदान में जाती है जानंदी सी लहर बनी हुई है आवाज देती है ऐसे परेशान है ऐ मेरे खुदा हर एक को इस बीमारी से इस मर्ज से निजात इनायत फरमा ऐ मेरे खुदा दुनिया में अमन अमान कायम फरमा हमें आपस में मुत्तहिद रहकर जीने की तौफीक इनायत फरमा ऐ मेरे अल्लाह हमें जो भी मरीज है उन्हें शिफाए कामिल और आजिल इनायत फरमा हमें जो मरहूम हो चुके उनकी मगफिरत फरमा इस्लाम को सरबलंद फरमा परचमे कुफ्र निफाक को सरनिगुं फरमा ऐ मेरे खुदा तूने वादा कर रखा है अपने उस वादे को वफा करते हुए फरजंद जहरा यूसुफ जहरा इमाम असरार वाहुना रबुल फिदा के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके आमाल अनुसार में शुमार फरमा ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ما تبغي